हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। स्टूडेंट, आज का न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा यूजी पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं प्राइवेट और रेगुलर, उनके काफ़ी बच्चों ने मेरे को कमेंट किया कि सर उसके फॉर्म जमा कहाँ पे होंगे। जो हार्ड कॉपी होती है आपको पता होना चाहिए, जिसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट लगते थे, आधार कार्ड और जो हमने किया है उसका डिग्री का पीछे जो फर्स्ट, जैसे कि सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का डिग्री लगता था। बाकी के जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो कहाँ पे जमा होंगे, ठीक है, जैसे प्राइवेट के और रेगुलर के। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कमेंट करके पूछा कि सर हमें बता दीजिए प्लीज़ कहाँ कहाँ पे। रोज़ मैं एक दो तीन बच्चों को बताता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ना क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिसमें कि बच्चों को पता लग जाए उसके फॉर्म कहाँ पे जमा होंगे। तो आपको बता दूँ मैं कि प्राइवेट वालों के जो कि इस साल, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, याद रखना जो प्राइवेट कर रहे हैं और पहली साल में है, इस साल में है ना, उन लोगों को क्या है कि वो उनके कभी फॉर्म जमा नहीं होने हैं जो फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है। और उनके क्या था, मैंने बताया था कि उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिए, जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर आपका लिखा जाएगा कि कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने हैं। और बाकी का जो रेगुलर वाले हैं उनके लिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ, MGP लिंकन यूनिवर्सिटी का विज्ञप्ति है, ये 15 तारीख को आया था कि यहाँ पे क्या था, आपको 23 तारीख तक, ठीक है, 23 तारीख तक आपको 23/5/2022 तक आपके फॉर्म अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं उसमें हार्ड कॉपी जमा कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको जो भी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट लगेगा, फर्स्ट ईयर की डिग्री के साथ में आधार कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है, तो उनको जो रेगुलर वाले हैं उनको जमा करना है कॉलेज में, और जो प्राइवेट कर रहे हैं लेकिन वो फर्स्ट ईयर में है तो उनको जमा नहीं करना, लेकिन अगर वो सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर में कर रहे हैं, तो वो जो पहली साल जिस कॉलेज से दिया था उस कॉलेज में जाकर जमा करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वालों को कहीं जमा नहीं करनी, सेकंड ईयर वालों को जहां पहले किया था वहीं पर जमा करना है। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।